इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के रिगार्डिंग मेरे प्यारे व्यूबर्स यहाँ जो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लिए हैं वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स है ओपैम्स है देखिएगा क्या लिखे मेंशन फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल एंड प्रैक्टिकल ओपैम ऑब्वियसली आइडियल और प्रैक्टिकल ओपैम में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आस ही है लेकिन डिफरेंट है तो आप अलग अलग कॉल्यूम में लिख सकते हैं इसको डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड क्या कंसेप्ट है वर्चुअल ग्राउंड का इसके साथ साथ इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को भी यहां पर डिस्कस करना है सेकंड क्वेश्चन फीडबैक्स पर है डिस्कस द इफेक्ट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक ऑन इनपुट एंड आउटपुट इम्पिटेंस देखिए बेसिकली जो फीडबैक है ना निगेटिव हो या पॉजिटिव हो इसका इफेक्ट आपका इनपुट आउटपुट इम्पिडेंस पर तो पड़ता ही है इसके साथ साथ गेन पर भी पड़ता है स्टेबिलिटी पर भी पड़ता है है ना तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग यही दो चीज़ लिए हैं बट आपके क्वेश्चन में हो सकता है इनपुट आउटपुट जगह पर कोई दूसरा चीज भी हो ठीक है डिस्कस द इफेक्ट ऑफ निगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक ऑन इनपुट एंड आउटपुट इम्पिडेंस ऑल्सो डिराइव द इक्वेशन फॉर एन एम्पलीफायर विद नेगेटिव फीडबैक ये दूसरा क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन देखिएगा शॉर्ट नोट के रिगार्डिंग लिए राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हार्टली एंड कॉलपेट ऑसोलेटर एंड आर सी फेस शिफ्ट ऑसोलेटर शॉर्ट नोट लिखना है लिखने आपको इन दोनों पर कोशिश करिएगा पॉइंट्स के फॉर्म में लिखने का है ना जिससे क्या होगा कि जो भी कॉपी चेक कर रहा है ना उसको आसानी से आपका पॉइंट्स जो है दिखता जाएगा फोर चौथा क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब द कॉमन बेस डेट इज सी बी कॉमन इमिटर सी ई एंड कॉमन कलेक्टर सी सी ये तीनों ही कॉन्फिग्रेशन को डिस्कस करना है तीनों में से कोई एक अक्सर आता है हम प्रीवियस क्वेश्चन में देखें है ना रिपीट करता है हाँ ये है कि लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता है शॉर्ट क्वेश्चन में आता है बट रिपीट करता है ऑल्सो डिस्कस देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखें क्या लिए हैं डिफाइन करंट गेंस एल्फाइन बीटा एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एल्फा एंड बीटा कैलकुलेट एल्फा एंड बीटा फॉर अ गिवेन ट्रांजिस्टर ठीक है एल्फा बीटा क्या है करेंट गेंस जो है उसको यहाँ डिफाइन करना है साथ ही साथ दोनों के बीच रिलेशन को एक्सप्लेन करना है ओके okay, और इनका वैल्यूज भी कैलकुलेट करना है ट्रांजिस्टर के लिए छठा क्वेश्चन जो लिए हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स उसको दो हिस्से में डिवाइड करके लिए हैं सबसे पहला हिस्सा में डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्पली एम्पलीफायर डिफरेंट टाइप्स के एम्पलीफायर्स जो हैं वोल्टेज करेंट पावर ओके इन सबको डिस्क्राइब करना है और दूसरा पार्ट में हम लोग लिए हैं कि जो फीडबैक का इम्पॉर्टेंस होता है ना एम्पलीफायर्स में उसे यहाँ पर एक्सप्लेन करना है डिस्कस करना है ठीक है डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ फीडबैक इन एम्प्लीफायर्स सातवा क्वेश्चन देखिएगा क्या लिए हैं डिस्कस द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इक्वेशन और माफ कीजिएगा डिराइव है डिराइव द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इक्वेशन फॉर टू स्टेज आर सी कपल्ड एम्प्लीफायर ओके टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के लिए आपको फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का इक्वेशन करना है साथ ही साथ लो फ्रीक्वेंसी कट ऑफ और हाई फ्रीक्वेंसी कट ऑफ का क्या कंसेप्ट क्या समझ एक्सप्लेन okay. करना है सिग्निफिकेंस क्या है ये सबको ठीक है आठवा क्वेश्चन जो है वो हम लोग क्या डिसएडवांटेज ऑफ आरसी कपलिंग आरसी कपलिंग का कुछ एडवांटेज भी है कुछ डिसएडवांटेज भी है यहाँ पर डिस्क्राइब करना है कि कहाँ पर ये एडवांटेज प्रोवाइड कर रहा है कहाँ डिसएडवांटेज प्रोवाइड कर रहा है ना एंड ऑप्टेन द इम्पॉटेंस ऑफ इम्पिडेंस मैचिंग ये अपना आठवां क्वेश्चन था नाइन्थ क्वेश्चन देखिए क्या लिए डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क टू पोर्ट नेटवर्क का क्या कंसेप्ट है कहाँ से आया है क्यों आया है इसको आप यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं दूसरा डिस्क्राइब द हाइब्रिड मॉडल फॉर ट्रांजिस्टर देखिए यहाँ हम लोग जैसे हाइब्रिड मॉडल लिए हैं कभी कभी आपको हाइड्रिक हाइब्रिड मॉडल ना दे करके एच पैरामीटर मॉडल भी दे सकता है इसलिए ब्रैकेट में हम लोग एच पैरामीटर लिखे हैं ठीक है ना तो कंफ्यूज मत करिएगा डिस्क्राइब द हाइब्रिड एच पैरामीटर मॉडल फॉर ट्रांजिस्टर डिस्कस इट्स लिमिटेशन और जैसे हम लोग यहाँ इट्स लिमिटेशं लिखे हैं उसी प्रकार से आपको यहाँ पे डिस्कस एच पैरामीटर मॉडल लिमिटेशन इस प्रकार से करके भी दे सकता है ठीक है टेंथ क्वेश्चन को वापस दो हिस्से में डिवाइड करके लिए ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि आजकल क्वेश्चन पेपर में इस प्रकार से दे रहा है है ना ताकि ज्यादा से ज्यादा यूनिट को कवर किया जा सके क्वेश्चन पेपर में है ना और जिससे बच्चों पर लोड बढ़े तो यहाँ देखिएगा क्या हम लोग लिए एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर्स कैलकुलेट द इफिशियंसी ऑफ डिफरेंट एम्पलीफायर क्लासेस ऑल्सो डिस्कस दियर एप्लीकेशन ठीक 10th question है ये हमारा टेंथ क्वेश्चन है ठीक है और क्लासेस ऑफ एम्पलीफायर्स में आप ले सकते हैं आपका क्लास ए क्लास बी क्लास सी एम्पलीफायर जो है उसको एक्सप्लेन करना है साथ ही साथ ही जो डिफरेंट टाइप्स के एम्पलीफायर के क्लासेस हैं उन सब का इफिशंसी और उनके एप्लीकेशंस को भी यहाँ पर डिस्कस करना है हमारा जो अलेवेंथ क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन द फिजिकल मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इन ए ट्रांजिस्टर ठीक है ये एक्चुअली मैं जो करंट फ्लो मैकेनिज्म है उससे ये क्वेश्चन लिए हैं एक्सप्लेन द फिजिकल मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इन ए ट्रांजिस्टर ऑल्सो डिस्कस द एक्टिव कट ऑफ एंड सेचुएशन रीजन ऑफ अ ट्रांजिस्टर सो ये आपका टोटल अलेवन क्वेश्चन था एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के रिगार्डिंग